साहिबगंज जिला के आरटीआई एक्टिविस्ट सह समाज सेवी सिद्धेश्वर मंडल ने लोकतंत्र के इस महान पर्व को लेकर कई बातें कही। कहा कि समय आ गया है जब लोग बदलाव की ओर बढ़े और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करें। क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि ये था, है और हमेशा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आज लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारे बीच है एक समाज सेवी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार आप सर, परिचय के महापर्व के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम सिद्धेश्वर मंडल हुआ, समाज सेवी साहबगंज। और ये लोकतंत्र के इस महापर्व में आम जनता सारे लोग चढ़ भर के हिस्सा लें और लोकतंत्र को बचा लें। सर, क्या लगता है कि पिछले बार के चुनाव से इस बार का चुनाव कैसा है? क्या पिछले बार 70% मतदान हुआ था साहिबगंज जिले में, इस बार क्या लगता है कि उससे बढ़ेगा या उतना ही पर रह जाएगा? बढ़ने का तो चांस है, मानसून भी ठीक है और बढ़ने का अगले बार से इस बार बढ़ने का चांस है। और क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के मतदाताओं को? सर, मैं यहाँ के मतदाता के संदेश देना चाहूँगा कि चढ़ भर के अपना मतदान करें, लोकतंत्र को बचावें और जनता इस पर चढ़ भर के दे करके वोट दे करके लोकतंत्र को बचावें। और जब लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग बचेंगे, हम लोग का अधिकार मिलेगा, सभी जो गरीब होगा को अधिकार मिलेगा। क्या बदलाव चाहेंगे इस क्षेत्र को लेकर, कुछ बताएंगे? नहीं, बदलाव तो चाहिए। बदलाव अगर आप नहीं करते हैं, जनता बदलाव नहीं करेगा तो फिर एक ही सरकार एक ही बनते रहेगा, तो फिर तो काम नहीं चलेगा और न विकास होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए बदलाव तो चाहिए। यहाँ राजनीति होते आ रही है इस क्षेत्र में कि भय, भूख, भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ के राजनीतिक दल हर में हमेशा जनता को ठगते आ रहे हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल ठगते आ रहे हैं। शुरू से मैंने देख रहा है, 25 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ कि जो भी जीतते हैं जाते हैं तो फिर आते नहीं हैं। और जनता भी समय पर जब इलेक्शन के समय आएंगे तो गांव गांव घूमने लगेंगे। बिल्कुल ठगे हुए हैं, ठगे महसूस कर रहे हैं, आज भी ठगे महसूस कर रहे हैं। शहर का कोई विकास नहीं है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं है, पानी पानी के लिए मर रहा है। हम लोग पानी के लिए हाईकोर्ट में चर्चर बार जनहित याचिका किया हो, किसी जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं है कि हाँ पानी मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। बस हो गया, पर्व आया, महापर्व आया चुनाव का, वोट मांगा, फिर चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी अभी सलाखों के पीछे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या लगता है कि इस बार इनके अंदर जाने से क्या मतलब भ्रष्टाचार में कमी आएगी या फिर यथावत स्थिति बनी रहेगी? देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में तो भ्रष्टाचार सब दिन रहा है और भ्रष्टाचार सब दिन रहेगा। ये भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है और कोई पार्टी अछूता नहीं है भ्रष्टाचार से, कोई पार्टी अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार रहेगा, इसलिए कि कोई पार्टी अछूता नहीं है। यानी साहेबगंज में आने वाले समय में आपके हिसाब से कोई बदलाव खास देखने को नहीं मिलने वाला है? तो ये थे हमारे बीच में समाज सेवी जो कि 25 सालों से सेवा देते आ रहे हैं साहिबगंज की जनताओं को। और मैं रफ्तार मीडिया के लिए